हलवा खाते हैं वैसे शौक से आप? बिल्कुल खाते हैं। यानी ये बात सही है जो मुल्ला ज़रात होते हैं हलवा शौक से खाते हैं? यार सारे ही खाते हैं लेकिन हम भी खाते हैं। बैर भाई, मौलाना साहब 23 मार्च को धरना दे रहे हैं, तो आप जाएंगे उसमें? इंशाल्लाह ताला जाएंगे जी। जाएंगे आप? ये मैं कहने लगे उन्होंने इन्वाइट नहीं किया, शायद कार्ड नहीं आया घर पर, तो मैं क्यों जाऊँ? नहीं, इंशाल्लाह ताला जाएंगे हम। ये क्या आप हंस क्यों रहे हैं? हंस रहे हैं कि दांत ही ऐसे हैं? दांत ही ऐसे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सड़क छाप तुम टीवी पर। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो ये है कि 23 मार्च को मौलाना साहब ने कहा कि मैं धरना करूँगा, और आवाम जो है बहुत ज़्यादा उसमें आ रही है। आवाम जो है वो जोश व खरोश से धरने को इन्जॉय करेगी, क्योंकि बहुत से लोग मेरे साथ हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है। लेकिन हम आवाम के पास जाएंगे, उनकी राय जानेंगे कि क्या वो इस धरने को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पहले औरत मार्च हुआ है उससे भी बड़ा ट्रैफिक का निज़ाम धरम भरम हुआ है, और भी बड़े मामला जो थे वो ख़राब हुए हैं। लेकिन अब देखते हैं कि आवाम की इसमें क्या राय है, क्योंकि हमारा जो काम होता है वो यही होता है कि आवाम की जो राय है वो आप तक पहुंचाएं। 23 मार्च भी दूर नहीं है, क्योंकि 23 मार्च को जो आज़ादी हक मिलेगा इस गवर्नमेंट को, क्या इमरान खान साहब इस बात क्या नाम है तब्दीली लेकर आएंगे जो वो बातें कर रहे हैं, या मौलाना साहब जो बातें कर रहे हैं? कौन जीतेगा इस अगला इलेक्शन ये वक्त बताएगा और आपके वोट बताएंगे। तो हम आपको इस वीडियो में आवाम की राय दिखाएंगे कि 23 मार्च के हवाले से उनकी इस बारे में क्या राय है। तो मेरे साथ रहिएगा, अब ये इंजॉय करें पैकेज। आप अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हाफिज मुश्ताक अहमद। अच्छा हाफिज भाई, अब मौलाना फजलुर रहमान 23 मार्च को रैली निकाल रहे हैं दोबारा से, तो आप बताएँ किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? वैसे आपकी क्या अपनी जाती राय क्या है? हम तो किसी को भी सपोर्ट नहीं, मौलाना को भी नहीं कर रहे, किसी को भी नहीं कर रहे। मुझे था शायद हम मौलाना के सपोर्टर होंगे, वैसा आपने अपना गेटअप रखा हुआ है। नहीं, ये तो हम वैसे जो है ना हाफिज़ कुरान है। अच्छा, लेकिन सियासत से हमारा जो है ना कोई लेना देना नहीं। हलवा खाते हैं वैसे शौक से आप? बिल्कुल खाते हैं। यानी ये बात सही है जो मुल्ला ज़रात होते हैं हलवा शौक से खाते हैं? यार सारे ही खाते हैं लेकिन हम भी खाते हैं। कौन सा हलवा खाते हैं शौक से? जो भी मिल जाए, अल्लाह की सारी नेमतें हैं, सारे हलवे जो मर्जी हो। हाँ, कोलू वशरब वला तुसरिफ, खाओ और पियो लेकिन जाया मत करो। बहुत अच्छी बात की आपने। मुझे बताएं कि ये जो रैलियां निकल रही हैं, आपको क्या लगता है इसका क्या फ़ायदा हो रहा है? और बिलावल कहता जी कि वो तप्तान की जो है वो कांपे टांगे हो गई हैं, टांगे कांप गई हैं, वो बड़ा बयान एक वायरल हुआ है, तो आपकी इसमें अपनी राय क्या है? क्या वाकई ऐसा हुआ है? पेट्रोल उसकी वजह से सस्ता हुआ है? नहीं, मैं कहता हूँ तो है ना, मेरी राय तो ये नहीं है, लेकिन ये मेरी राय ज़रूर है कि चलो बंदा बाहर निकलता है तो कोई फ़र्क तो पड़ता है ना, हुकूमत पे फ़र्क तो पड़ेगा। तो आप क्या काम करते हैं? आप? मैं पाकिस्तान नेवी से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, नहीं, पाकिस्तान नेवी से रिटायर हैं, तो मुझे बताएं कि आप हालात क्या देखते हैं, कि अब आगे फ्यूचर में खान साहब जो बातें कर रहे हैं वो ठीक हैं? बा हुकूमत में हम गवर्नमेंट मुलाजिम है, हुकूमत में जो होता है हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये मतलब मौलाना फजलुर रहमान कुछ नहीं करेंगे? कुछ के बारे तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन अभी लग नहीं रहा। लग नहीं रहा तो मौलाना साहब आप सुन लें, उनको तो नहीं लग रहा, आगे चलते हैं, आवाम की राय जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है? हनान। अच्छा ब्रदर, मुझे ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान 23 मार्च को रैलियां निकालने लगे हैं, आप भी यूथ हैं, आप क्या देखते हैं पाकिस्तान के जो हालात हो रहे हैं, क्या इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? नहीं, फ़ायदा तो कोई नहीं होगा, उल्टा आपकी इकोनॉमी का नुकसान होगा। तो ये जो कुछ भी हो रहा है सब ड्रामेबाजी है। आपके नज़र में ड्रामेबाजी? जी, अब एक गवर्नमेंट काम कर रही है उसको करने दें, आप उसको तंग करेंगे, इकोनॉमी भी डाउन आएगी, जो एक गरीब बंदा है उसको रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, आप लोग जो है सड़कों पे निकल आते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं, इकोनॉमी डाउन आ जाती है। वो ये लोग असल में मुल्क के बारे में सोचते नहीं। आपकी राय है कि ये सब गलत हो रहा है, ये इस तरह की रैलियाँ नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि खान साहब ने भी तो धरने दिए थे जब उन्होंने अपनी हुकूमत करनी थी, तब भी हम बोलते थे कि गलत कर रहे हैं, जैसे चल रहा चल रहे थे, जब उनका टाइम आया वो जीत गए इलेक्शन। अगली हुकूमत आपकी नज़र में किसकी होगी? मेरी नज़र में पीटीआई की ही होगी। पीटीआई की होगी जी, नवाज शरीफ की नहीं होगी? नहीं। मुख्तलिफ राय है आवाम की, और भाई भी हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हसन नासिर। अच्छा ब्रदर, आप क्या देखते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब 23 मार्च को धरने देंगे, जलसे निकालेंगे, आवाम कह रही है जी, वो कह उनकी राय अपनी है कि आवाम मेरे साथ है, तो मैं इसलिए आवाम में निकला हूँ, आप मुझे बताएं आपकी राय क्या? देखें, जो उनका अमल है जलसे वगैरह निकालने का, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। इवन इमरान खान साहब भी जो उन्हें धरने दिए थे, डी चौक बंद किया था इस्लामाबाद, तो ठीक नहीं है। इससे जो जमहूरियत का अमल है वो नहीं, जमहूरियत चल नहीं पा रही, जो भी इलेक्ट होके आता है कोई दूसरी पार्टी अलायंस बना लेती हैं, और
कभी भी औरत मार्च आ जाता है ट्रैफिक बंद, अब ये मौलाना साहब निकलेंगे ट्रैफिक बंद, फिर कभी कोई ना कोई निकल आता है, कभी एहतजाज हो रहा होता है, तो इस तरह ये मुल्क को नुकसान नहीं है आपकी नज़र में? नुकसान ही है कॉमन पर्सन का, तो नुकसान ही है कॉमन पर्सन की। मेरा ख्याल है अभी तक किसी गवर्नमेंट ने कोई भी खिदमत सही से नहीं की। इवन कुछ अच्छे इनिशिएटिव थे जैसे बेनजीर कार्ड पीपी का था, इन्होंने भी तो हेल्थ कार्ड निकाला है पीटीआई ने, हेल्थ कार्ड था, स्कॉलरशिप्स थी, नवाज़ साहब की लैपटॉप स्कीम्स थी, इस तरह की स्कीम्स होनी चाहिए, ना कि ये इस तरह की हरकतें होनी चाहिए। नज़र में खान साहब ने कुछ नहीं किया इस पाँच साल में? पाँच साल में कोई खास कुछ नहीं किया, अलबत्ता काफ़ी चीज़ें दुरुस्त हुई हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं। नेक्स्ट हुकूमत किसकी लग रही है? नेक्स्ट हुकूमत आई थिंक, मेरा मुझे नहीं लगता कि आवाम दोबारा जैसे हमारी रही है कि एक गवर्नमेंट इलेक्ट होकर दोबारा कभी वो गवर्नमेंट दोबारा नहीं बनी, तो मेरा ख्याल है पीपी या नून लीग में से कोई होगा। एक बताएं ना आपकी अपनी राय, एक पे होनी चाहिए। मेरी अपनी राय यही कहती है कि नून लीग होगी, माइट बी नून लीग होगी। चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या नाम है? फहीम। फहीम भाई, मौलाना साहब 23 मार्च को धरना निकाल रहे हैं पाकिस्तान में दोबारा से, तो आपकी क्या राय है कि ये धरने कुछ तब्दीली लेकर आएंगे? क्या मुल्क हमारा टेंशन में चल रहा है? आपकी राय इसमें क्या है? मैं तो ये कहूँगा कि ये तो टेंशन में चल रहा है, तो लेकिन तो अगर तो तब्दीली कुछ ले आए तो अच्छा ही है, तो क्योंकि हम खुद तो बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो महंगाई के खिलाफ। आपकी परेशानी महंगाई है कि गुर्बत है कि यानी कि आपको क्या, आपको टेंशन किस बात की है? आपके पास तो गाड़ी है माशाल्लाह, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो उस बारे में मतलब गरीब आदमी के पास तो गाड़ी है नहीं ना। तो अगर मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ तो देखे ना फ्यूल कितना महंगा है, तो गाड़ी की वो क्या कहते हैं मेंटेनेंस कितनी महंगी है, हर चीज़ तो बहुत महंगी है। मौलाना साहब आपको लगता है कि कामयाब नहीं होंगे? तो मौलाना साहब कामयाब यूँ नहीं होंगे कि बस तो होना चाहिए कामयाब तो लेकिन हो नहीं सकते कामयाब, वो कामयाब नहीं हो सकते। हाँ जी। चले, आपको वैसे सपोर्ट किसके साथ है, वोट किसको देंगे? तो हमने अगर वोट देना हो तो हम तो क्या कहते हैं शुरू से नवाज शरीफ के हैं। अच्छा, आपकी नज़र में नवाज शरीफ बेहतर है? जी जी बेहतर है। अभी भी लोग नवाज शरीफ को याद कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? जुबैर। जुबैर भाई, मौलाना साहब 23 मार्च को धरना दे रहे हैं, तो आप जाएंगे उसमें? इंशाल्लाह ताला जाएंगे जी। जाएंगे आप? ये मैं कहने लगे उन्होंने इनवाइट नहीं किया, शायद कार्ड नहीं आया घर पर, तो मैं क्यों जाऊँ? इंशाल्लाह ताला जाएंगे हम। क्या लगता है आपको ये जो बातें हो रही हैं बार बार की जा रही हैं कि जी मुल्क हमारा मसले में है, मौलाना आएगा तो तब्दीली आएगी, तो मौलाना साहब ने अभी तो हुकूमत ही नहीं, उन्होंने किया क्या? ये मराह जाएगी साड़ी हुकूमत आएगी, उस तो पहले ये मरे मराए हैं। ये ट्रक ड्राइवर हैं जी। ट्रक ड्राइवर जी। कितना कमा लेते हैं? 1000 रुपया दिहाड़ी हमारी। 30,000 महीने का कमा रहे हैं, तो गुजारा फिर भी नहीं होता? क्या करें, और क्यों कितना महंगा, खंड कितनी महंगी। ट्रक में क्यों डलता जी? ट्रक में महंगा क्यों तो नहीं डलता ना? ना देगा ना क्यों? ट्रक जी खान पकाने वाले क्यों पा देंगे? ये इंदो ही कटना और ही किंदो कटना। 1000 रुपया दिहाड़ी है, 200-300 आप खाई दिया तो घर की देंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 माशाल्लाह। 2 बच्चे हैं। तो आपको बिलावल नहीं लगता कि बिलावल आएगा तो मुल्क के हालात बेहतर होंगे? तो बिलावल आइए जान नवाज शरीफ आइए, बाकी ये साड़ी जान छाड़े सामने पल्ले ही शायद कौन पाऊँ। सब कह रहे हैं मैं आज उनका, बल्कि उन्होंने बयान भी उनके आए हैं कि जी हमें कोरोना ने मार दिया, कोरोना जो है वो मार असी गए हैं, सानू कोरोना ने मारता। कोरोना तो बेचार जी बंद होगी, घर बैठे पूरा पूरा महीना घर बैठे ने, किंदे को मंगिए। पहले क्या करते थे आप? ड्राइवरी करते शुरू थे। शुरू से ही तो पहले अच्छा था नवाज शरीफ के दौर में? हाँ, कारोबार खुला ही कोई शाली सी, एक दिन लगता फिर एक दिन दो दो दिन लगता कौन ही था, जिते जाइए 10,000 जो उत्थे होने लोग 7,000 चल जाते हैं, जो काम ही कौन की करिए, मजबूरी है। 30,000 में आपका इस वक्त गुजारा नहीं हो रहा? नहीं होता 30,000 में गुजारा। क्या आप वोट किसको देंगे आप अगला जो? एर की भी नवाज शरीफ देंगे, अगे भी नवाज शरीफ नहीं दीते जी। नवाज शरीफ के साथ? नवाज शरीफ के साथ ही। वो तो कह रहे हैं नवाज शरीफ ने तो निज़ाम ही धर्म परंग करके रखा हुआ है, वो लंदन बैठा हुआ है, वो इधर आता नहीं है। इन्हें कह रहा सीधा पदरा करता, उस तो बाद इन्हें पुठा काम करता। ये कोई पेट्रोल से आपको फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं। महंगा होने से या सस्ता होने से, 10 रुपये महंगा हुआ 10 सस्ता हुआ, कोई फर्क पड़ा? कोई नहीं फर्क। सानू सवारी को मांग लिए 3,000 रुपया इतने जाना, वहाँ तो नहीं 2500 देंगे 2200 देंगे, उन तो भाई तेल पवाइए की करिए, अपनी तो तैयारी कड़ीए। 15-20 लाख जिन्हें ला के दिता सानू मालक ने, उन्होंने शाम की दया। ये मालक है बेसिकली चला रहे हैं जी? ये मालक है इसका कोई और जिसका चला रहे हैं ट्रक? मैं ड्राइवर हूँ, 1000 रुपया मेरी दिहाड़ी। ये सूरत हाल है कि लोग नवाज शरीफ को याद भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए,
तो अब देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है और लोगों के पास चलते हैं और जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला शफीक छाया हुआ है, वही नाम रख लिया आपने, टेस्ट मैच ड्रॉ कराया, बड़ा ज़बरदस्त खेला है, उसी मुतासर होकर नाम रखा। जी हाँ जी। तो ये क्या आप हंस क्यों रहे हैं? हंस रहे हैं कि दांत ही ऐसे हैं? दांत ही ऐसे हैं। खरगोश मेरे जैसे दांत हैं? कभी किसी खरगोश ने रुकेगा यार मेरे जैसे दांत रखे में? कभी रखा ही नहीं खरगोश। मैं कहा हो सकता है आप रोड पे जा रहे हो, खरगोश आ गए हो, भाई मेरे जैसे दांत रखे। नहीं नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, 23 मार्च को यहाँ पर अब धरने शुरू होने लगे हैं, तो क्या कहोगे इस बारे में? मौलाना साहब जो कह रहे हैं जी तब्दीली हम लेकर आएंगे, तो आप साथ हैं मौलाना के? मैं नहीं, किसी के साथ भी नहीं हूँ। क्यों? वैसे ही। मैं कहूँगा मैं फैमिली के साथ हूँ। नहीं मतलब क्यों साथ नहीं है, क्या वजह? आगे वोट नहीं देना किसी को यार, आप तो ऐसे नहीं दूलाना शर्मा रही हैं, आप बता दें सवाल ही कर रहे हैं, इसमें क्या हो गया, शर्माने वाली बात क्या? किसी इमरान खान के साथ है? नहीं नवाज शरीफ के साथ ही। अभी कह रहे किसी के साथ नहीं। नवाज शरीफ ने क्या किया? वो तो लंदन बैठा हुआ, वो पकड़ा गया ना, वो आ जाएगा वापस। शेर तो पकड़ा नहीं जाता, शेर कैसे पकड़ा गया? बस उन्हें डाका मारा, पकड़ा गया। अच्छा डाका भी मारा है और आप उसके साथ भी हैं? हाँ जी। क्यों साथ है, क्या किया उसने? भाई है अपना। मतलब बोतल बोतल पीने रात को जाते हैं साथ दोनों? वैसे पान वगैरह खाते हैं साथ ही। पान वगैरह खाते हैं मियाँ साहब के साथ जाके? वाह मियाँ साहब। और ये आपको पता है ये लंदन का चैनल ही है, मियाँ साहब के घर भी आता है ये। अच्छा। कहना चाहेंगे मियाँ साहब देख रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे? उन्हें बैठे रहने दो, बैठ के देख रहे हैं, कोई पैगाम दे दो, हमने चला देना ऐसे ही, पैगाम दे दो मियाँ साहब को। बस दे दिया है वो 500 के, मियाँ साहब दो दे दे, मेरे पास एक भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जुवेद। जुवेद जुवेद जुवेद। अच्छा मुझे ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान 23 मार्च को रैली निकाल रहा है, तो आप उसके साथ हैं मौलाना फजल रहमान के? वो कह रहा जी वहाँ मेरे साथ है, तो आपकी क्या राय है? हम किसी के भी साथ नहीं है, बैल अपना ही करना है। नहीं तो हुकूमत ने कुछ नहीं किया? हुकूमत ने क्या किया? खान साहब ने कोई तब्दीली वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं लेकर आया? तब्दीली आई तो पही होना है, और तब्दीली। क्या काम करते हैं आप? ये गाड़ी चलाते हैं। तो कितना मतलब इसका किराया, पेट्रोल भी महंगा है, गुजारा हो रहा है? गुजारा बड़ा औखा हो रहा है। नहीं गुजारा हो रहा? नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं जो हुक्मरान आपको देख रहे हैं, अपनी क्या बताना चाहते हैं? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता यार, उधर पूछ तो उधर। मतलब बदसन हो गए मैं? आप बताना नहीं चाहते, फिर इसका मतलब आप खुश हैं, खुशहाल हैं? हम ये रिपोर्ट करते हैं कि आप ठीक हैं, कि आप खुशहाल हैं, फिर आगे बात क्या जाएगी? चलो खुशहाल ही समझ लो वो बारह जी, ये खुशहाल हैं, इनके लिए महंगाई कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि अब मुख्तलिफ अवाम है, कुछ लोग खुशहाल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई क्या कहेंगे 23 मार्च को जलसा जो हो रहा है, तो मौलाना साहब जलसा निकाल रहे हैं, तो आपकी क्या राय है, कि आप खुशहाल हैं जलसे से? सर पता क्या, आप जितने भी जलसे जुलूस निकले ना, सिर्फ कुछ भी नहीं होना, आवाम का नुकसान है और कोई चक्कर नहीं। क्या नुकसान है आवाम? आवाम का नुकसान है, रास्ते बंद हो गए लोगों ने, जिन लोगों ने काम पे जाना, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, कहीं भी जाना, सारी बात परेशानी तो होगी ना सबको। तो इमरान खान साहब ने तो अपनी हुकूमत से पहले धरने दिए थे, तो अभी वो कहते हैं जी हमारा मुल्क हमें मिला है, हमें वजारत मिली है, ये सब एस्टेब्लिशमेंट की चाल है और कोई चक्कर नहीं है, ये सिर्फ आपकी और मेरी सोच है। असल में जो कुछ हो रहा है वो आपको भी पता है, कौन करवा रहा है और कौन नहीं करवा रहा। आप बताएं ना आपकी क्या राय है, कौन करवा रहा है? आपको पता है सर? नहीं पता, हम तो जानना चाहते हैं, आप बताएंगे तो पता लगेगा। भाई ये जितने भी लोग हैं ना, जितने भी ये हुक्मरान हैं, मैं भी कोई भी है, हालांकि मैं आपको क्या बताऊं मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूं। आप बता सकते हैं किसको कर रहे हैं? लेकिन चीज़ ये है कि असल में हर बंदा जो है ना, एक बहुत बड़ी गेम चल रही है गुर्बत मुकाओ के तहत, यानी कि गरीब मार रहे हैं, बाकी कोई चक्कर नहीं है। आपकी नज़र में अमीर अमीर से होता जा रहा है और गरीब गरीब हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसके पास जितना धन है उसको डबल से डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है, मेरी तरह जो बंदा फ़र्ज़ करे, फॉर एग्जांपल मैं दिहाड़ीदार बंदा हूँ, अब मैंने दिहाड़ी कमानी है तो मैंने खाना है, मैं धरने में कैसे चला जाऊँगा? जाऊँगा कभी भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने उनको खाना खिलाना है, अगर मैं काम करूँगा तो खिलाऊँगा, वरना अदरवाइज नहीं खिलाऊँ। काम क्या करते हैं? मैं सर मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, तो मुझे बताएं उसमें कितना मतलब दिन का कमा लेते हैं, एक दिन की दिहाड़ी कितनी है आपकी? तकरीबन 700-800 रुपये। 700-800। तो उसमें घर भी चलाना है और? घर भी चलाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, उनके अखराजात भी है, उनकी अल्लाह ना करे कोई बीमारी है वो भी है, खुशियाँ भी है, गमी हर चीज़ है, ए टू जेड ऑल चीज़ है। कितनी दिहाड़ी होनी चाहिए आपकी, आपको क्या लगता है क्या आप खुशहाल हो जाएंगे इतनी दिहाड़ी मिले आपको? भाई जो बंदा आपको एक मिसाल के तौर पर, एक बंदा 1 करोड़ रुपये पर डे कमा रहा है ना, उसकी सोच है कि मेरे पास पर डे 2 करोड़ रुपए आमदनी हो मेरी,
अब मैं 800 कमा रहा हूँ, मेरी सोच है कि मेरी 1600, मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरी यार एक 1 मिलियन हो जाए, 2 मिलियन हो जाए, कुछ भी। सिर्फ ये है कि जिस बंदे के पास जितना पैसा वो सोच रहा है उससे मेरे पास डबल होना चाहिए, कोई भी है। अब आप अपनी मिसाल ले लें, फ़र्ज़ करें आपकी 30,000 रुपये सैलरी या 50,000 रुपये, आपकी अपनी सोच है कि मेरी पैसे हों, कम अज़ कम 1,00,000 रुपये मेरी सैलरी होनी चाहिए, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास अपना हर चीज़ है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मौलाना साहब के आने से कोई बेहतरी नहीं आएगी आपकी नज़र में? भाई ये पीछे आपको, आप मेरे भाई, आपको पता है कि पीछे कौन किसका हाथ है, आई बात समझ में? लेकिन हमने तो देखे हकाइक ही बताने ना, जो हकाइक आवाम जानती है हमने तो वही बताने। ये सब जो भी गुंडागर्दी है इसके पीछे बढ़ती है और कुछ भी नहीं। शॉर्ट वर्ड में उन्होंने बातें बता दी, बातें तो नाजिक करने को बहुत हैं, लेकिन 23 मार्च को जो धरना मौलाना साहब इस टाइम कह रहे हैं, उनकी बहुत कहने का मकसद है कि जी हम धरना करेंगे और इसमें मुल्क बदलेगा। अब ये वक्त ही बताएगा कि वक्त की जो करवट है वो किस वक्त बदलता है, क्योंकि आवाम जिस टाइम जो परेशान है वो महंगाई की वजह से है, पेट्रोल की वजह से है और दीगर मसाइल की वजह से आवाम परेशान है। आवाम चाहती है हमें रिलीफ ये दिया जाए कि हमारी दिहाड़ी जो है उसमें इजाफा किया जाए, ना कि हमें दूसरे प्रोजेक्ट्स, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए दरख्त क्यों लग रहे हैं, हमें नहीं चाहिए कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, हमारे लिए महंगाई इस टाइम इंपॉर्टेंट है। इस टाइम आवाम के लिए हीरो वही होगा जो महंगाई पर काबू पाएगा, अगर जो महंगाई पे काबू नहीं पा सकता तो वो फिर वोट भी नहीं मांग सकता। आवाम की ये राय बता रहा हूँ जो मैंने रोड से आपको लेके दी है, बाकी आप अपने जगहों पे बैठ के बातें तो बहुत सी कर रहे होते हैं, लेकिन वक्त बताएगा कि अब अगली हुकूमत किसकी होगी। तो नाज़रीन इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख को दे इजाज़त, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।